नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+। मैं हूं आपके साथ हनी सैगल। इस वक्त हम मौजूद है गुड़गांव में, जहां पर ब्लाइंड बच्चों के लिए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है BNI के द्वारा। इस आज के टूर्नामेंट के अंदर BNI गुड़गांव और BNI फरीदाबाद दोनों का बहुत बड़ा योगदान है, और ये एक नेशनल टूर्नामेंट फॉर ब्लाइंड पीपल्स ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके अंदर ब्लाइंड बच्चे अपने क्रिकेट का हुनर दिखाएंगे। कौन कहता है कि जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनकी कोई लाइफ नहीं होती। हमारा भारत देश एक ऐसा है जहाँ पर उन लोगों को भी उतनी सारी सुविधाएँ और उन लोगों को भी उसी तरह से खेल के अंदर रुचि दिखानी होती है, और उसके अंदर भारत सरकार बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। इसके मद्देनजर रखते हुए ही BNI गुड़गांव और BNI फरीदाबाद दोनों ने मिलकर यह प्रयास उठाया है, और आप देख सकते हैं नागेश ट्रॉफी नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर ब्लाइंड आइए ऑर्गेनाइज किया गया है विस्टेरिया क्लब बलियावास गुड़गांव के अंदर, और बहुत बढ़िया आप लोगों को यहां पर टूर्नामेंट दिखाई देगा और जीतने वाली टीम को इनाम भी दिया जाएगा। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट, किस तरह से ब्लाइंड बच्चे अपना हुनर दिखाते हैं और किस तरह से ब्लाइंड टूर्नामेंट क्रिकेट नेशनल टूर्नामेंट ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है BNI के द्वारा कितना ज्यादा आगे लेवल तक पहुंचता है, और अगला इवेंट BNI के द्वारा कब किया जाएगा। आई एम आरती कोचर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर BNI गुड़गांव एंड फरीदाबाद। ये क्रिकेट हमने ऑर्गेनाइज किया है विद द ब्लाइंड टू शो कि कोई चैलेंज इतना ख़राब नहीं हो सकता जिससे आप ऊपर नहीं आ सकते। वेदर यू आर एन एंटरप्रेन्योर या यू आर समबडी हु हैज़ अ चैलेंज, यू कैन ऑलवेज अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। BNI इज़ अ नेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स। इट इज़ रन बाय द एंटरप्रेन्योर्स टू हेल्प देम बिल्ड द बिजनेस, अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए। हम BNI गुड़गांव और फरीदाबाद में 1200 मेंबर्स से ऊपर हैं, एंड वी हैव हेल्प members grow their business बहुत ज़्यादा through referrals, connecting with each other। इसी से उनका network बनता है, network जो इंडिया में है और network जो इंडिया से बाहर भी जाता है। बच्चों का ये जो event है, इसके अंदर कितने बच्चे हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं? ये टीम है ब्लाइंड एसोसिएशन की, क्रिकेट टीम है। दे सम ऑफ द प्लेयर्स आर तो वर्ल्ड लेवल प्लेयर्स, दे हैव बीन प्लेइंग एंड विनिंग मैचेस अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड उनके जो कैप्टन है, ही इज़ कैप्टन देयर वन ऑफ देयर वर्ल्ड कप विन्स। ये ऑर्गेनाइजेशन करा है सो दैट वी कैन ऑल प्ले टुगेदर, अंडरस्टैंड टुगेदर। उनका ये नागेश ट्रॉफी चल रहा है, दे आर कनेक्टिंग विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, दे प्लेइंग अक्रॉस द कंट्री। BNI गुड़गांव फरीदाबाद उनके साथ खेल रहा है टू हेल्प देम रेज फंड्स फॉर दिस, टू मेक श्योर दैट दे कैन उनके लिए बेनिफिट हो। डू यू हैव एनी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट? वी आर वर्किंग थ्रू द एंटरप्रेन्योर्स। ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स का पूरा इनिशिएटिव है, वही कर रहे हैं सब। कितने दिन का टूर्नामेंट है ये? टूर्नामेंट आज के लिए ही है, इट इज़ ओनली फॉर टुडे, इट्स अ T20। इससे पहले आपने ये ब्लाइंड बच्चों का कोई क्रिकेट टूर्नामेंट कराया है या पहली बार? ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है इनके साथ खेलने का, और इससे हमको लगता है कि इसके बाद बहुत और कुछ होगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बहुत हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए और हम सब के लिए बहुत ही आई ओपनिंग है कि क्या कर सकते हैं हम लोग। मेरा नाम जॉन डेविड है, मैं क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूं, और वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट लिमिटेड जो है उसमें डायरेक्टर ग्लोबल डेवलपमेंट भी हूं मैं, और पिछले 2 वर्ल्ड कप में मैं इंडियन टीम का कोच भी रहा हूँ। डेविड जी, क्या कहना है BNI के द्वारा जो काम किया गया है ब्लाइंड बच्चों के लिए, इसके लिए क्या कहेंगे? ये काफ़ी अच्छी बात है कि देखो, हमें भी खुशी होती है हमारे क्रिकेट को, स्पेशली ब्लाइंड क्रिकेट को जो अवेयरनेस मिलती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेन तो वही है कि लोग पहचाने क्रिकेट क्या होता है, और BNI ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि ब्लाइंड के लिए कुछ करना है, तो ये अच्छी बात है। काफ़ी लोग इनके द्वारा मैसेज काफ़ी बड़ा जाएगा कि काफ़ी लोग वहाँ पर इस गेम को जानेंगे क्या होता है क्रिकेट के बारे में, ये हमारी इच्छा है एक्चुअली। आप कब से कोच हैं? तो मैंने 2018 में कोच में लिया था, कि मैं कोचिंग करता था टीम को लेकिन ऑफिशियल कोच नहीं था। 2018 का जो वर्ल्ड कप था उसमें मैं थोड़े चेंजेस किए थे, तो मैंने बात किया था कि कोचिंग। कोच रहते हुए कितने टूर्नामेंट या कितने खेल खिलाए हैं ब्लाइंड बच्चों को? एक्चुअली मैं तो ज़्यादा करके ऑर्गेनाइजिंग में था, बोर्ड मेंबर हूँ मैं। सर, कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बिकॉज
ब्लाइंड बच्चे ज़्यादा देख नहीं सकते, उनको क्रिकेट सिखाना और क्रिकेट खिलाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो ब्लाइंड क्रिकेटर्स है काफ़ी टैलेंटेड हैं और ग्रास रूट लेवल में थोड़ा मुश्किल होता है, स्कूल वगैरह है उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अभी हमारी इंडियन टीम है ना तो इनको हम खाली बताते ये करना है तो काफ़ी काम आसान हो जाता है। और लेकिन ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है गेम में भी ना, रूल्स वगैरह सब सेम ही है, थोड़ी मॉडिफिकेशन। मेरा नाम शैलेंद्र है, मैं नॉर्थ जोन सेक्रेटरी हूँ क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया। क्या लग रहा है ये जो BNI ने आज आपके लिए इतने बड़ा टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया है, BNI के लिए क्या कहोगे? BNI के लिए पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक इतना अच्छा इनिशिएटिव उठाया है। देखिए क्रिकेट हमारे देश में एक रिलीजन की तरह माना जाता है, इसके थ्रू सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक अवेयरनेस। शायद किसी एक आदमी को भी नहीं पता था BNI में से कि ब्लाइंड भी क्रिकेट खेल सकते हैं और इतना अच्छा खेल सकते हैं, वो भी उनको उम्मीद नहीं थी। क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोग क्रिकेट खेलते हैं और जो नॉर्मल लोग क्रिकेट खेलते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे, कुछ आपको महसूस होता है कभी? नहीं, बिल्कुल कोई महसूस नहीं होता, हम भी उन्हीं की तरह खेलते हैं, शायद उनसे अच्छा खेलते होंगे। हम लोगों ने पिछले 4 बार पाकिस्तान को बुरी तरीके से पीटा है 4 वर्ल्ड कप में, तो आई थिंक हम अपने आप में प्राउड फील करते हैं। जी शैलेंद्र जी, आप जब जी क्रिकेट प्लेयर को, ब्लाइंड क्रिकेट प्लेयर को ढूंढते हैं तो सबसे पहले उनमें क्या चीज़ सर्च करते हैं और किस तरीके से ढूंढते हैं आप? बिल्कुल ब्लाइंड प्लेयर ढूंढना इतना आसान नहीं है क्योंकि जो भी बच्चे होते हैं अलग अलग राज्य में होते हैं, संसाधनों की कमी होती है, उनको एक लंबी ट्रेनिंग देनी होती है, तो न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा इशू रहता है क्योंकि खान पान और एनर्जी, क्योंकि ये सब आजकल के क्रिकेट और स्पोर्ट्स में बहुत मायने रखती हैं। और जो ब्लाइंड लोग, जो ब्लाइंडनेस होती है वो मोस्टली पॉवर्टी फैमिलीज में ज़्यादा देखी जाती है, बैकवर्ड एरियाज़ में ज़्यादा देखी जाती है, तो ब्लाइंड प्लेयर फाइंड करने के लिए हम लोगों को एक लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको आगे लाना पड़ता है, ट्रेनिंग में उनको कई महीने ट्रेनिंग में भेजना पड़ता है। अभी जो टीम यहाँ पे खेल रही है वो किस लेवल की टीम है और कैसा प्रदर्शन करती है आपकी नज़र में? आई थिंक ये ब्लाइंड क्रिकेट 1990 से खेला जा रहा है और पिछले 30 सालों में सबसे बेस्ट टीम ये इंडिया की है, इंटरनेशनल टीम है जिसमें अजय रेड्डी इंडियन टीम कैप्टन इसमें खेल रहा है। हरियाणा से इंटरनेशनल प्लेयर दीपक मलिक जो कि अपने शॉटों के लिए जाना जाता है, पाकिस्तान 2018 वर्ल्ड कप जिताने के लिए जाना जाता है। इसमें प्रकाश जो कर्नाटक स्टेट से आता है, पूरा पाकिस्तान उससे डरता है, टाइगर के नाम से उसको बुलाया जाता है पाकिस्तान में। मुझे आज वो दिन याद है जब शारजाह में फाइनल मैच चल रहा था हमारा दुबई में, तो प्रकाश उस टाइम जल्दी आउट हो गया था, पूरे पाकिस्तान में और ग्राउंड में जितने भी दर्शक थे एक अलग सी लहर आ गई थी और बोला था कि मैच हमारा हो गया। इस समय कहाँ कहाँ पे आप लोग किस किस स्टेट के साथ या किस किस कंट्री के साथ मैच खेलते? देखिए सारे कंट्रीज़ के साथ मैच खेले जाता है, एक WBC का एक शेड्यूल आता है, जैसे ICC का शेड्यूल आता है पूरे 1 साल का 2 साल का, वैसे हमारा WBC वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट एक शेड्यूल बना के भेजती है। सो अभी तक जो हम लोगों ने जो लास्ट वर्ल्ड कप्स खेले हैं वो उसमें सब में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। 1990 से लेके 2012 तक इंडिया कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी। 2012 से 2018 तक जिसमें 2 वर्ल्ड कप भी हैं, एशिया कप भी हैं, बायलैटरल सीरीज भी हैं, सब में हम लोगों ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। नमस्कार, मैं शालिनी शर्मा हूँ, मैं BNI गुड़गांव की मेंबर हूँ और काफ़ी इससे 9 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो BNI गुड़गांव एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, बिजनेस पीपल के लिए है, उनको बढ़ावा देता है, उनके बिजनेस को बढ़ावा देता है और ऑल्सो एज अ कम्युनिटी जो हैं हम लोग काफ़ी यू नो बिजनेस पीपल के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम काफ़ी काम करते हैं। ब्लाइंड बच्चों के लिए टूर्नामेंट कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आप लोगों ने कैसे सोचा? तो ये हमें एक हमें जब सामने आया ये चीज़ नागेश ट्रॉफी जब ये खेल रहे थे तो जब हमने देखा ये तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिला कि जब ये इतनी चैलेंजेस के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद अगर ये खेल सकते हैं तो फिर यू नो हमारे मेंबर्स के लिए भी ये बहुत प्रोत्साहन की बात है। हम लोग BNI गुड़गांव और फरीदाबाद में हम लोग काफ़ी CSR एक्टिविटी करते रहते हैं, हमारा CSR आर्म काफ़ी स्ट्रांग है, हमने कोविड पैंडमिक के टाइम पर भी काफ़ी इवेंट्स किया था कि लोगों को ब्लड हॉस्पिटल ये सब कुछ चीज़ें हमने करा था, बहुत सारे कम्युनिटी को हमने हेल्प किया और हमने यहाँ पे गुड़गांव में भी एक प्लांटेशन
ड्राइव भी किया था एक फॉरेस्ट के लिए, तो हम काफ़ी ऐसी चीज़ें ढूंढते रहते हैं क्योंकि हम भी, हम समझते हैं कि हम मेंबर्स हैं, हम भी कम्युनिटी का एक पार्ट हैं एक, तो हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी फ़िलासफ़ी है BNI की गिवर्स गेन, तो हम सोचते हैं BNI गुड़गांव फरीदाबाद की तरफ से कि हमको अपने समाज के लिए कुछ देना चाहिए। तो इसलिए जब हमें, हमारे पास ये मौका आया तो हमें लगा कि इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता कि हम जुड़े, हम देखें और अपने मेंबर्स को भी सेंसिटाइज कराएं। सो नमस्कार, मेरा नाम मनीष डिसूजा है, मैं भी एक 9 साल पुराना BNI गुड़गांव फरीदाबाद का मेंबर हूं। जब भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई ये मैच के साथ सपोर्ट करने के लिए, हम तो बहुत खुश हुए। एक तो हमारी जो कम्युनिटी भी है क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और हमारे बीच में कोविड के पहले हमें अपने रेगुलर या मैचेस वगैरह हम खेलते थे, तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिली हमें बहुत अच्छा लगा कि एक तो अलग ही एक एक्सपीरियंस है ये, और एक बहुत अच्छे कॉज के लिए भी है। और जो हमारी कम्युनिटी, जैसे विशाली ने भी कहा, हमने कोविड के टाइम भी बहुत लोगों को हेल्प भी करी है, तो हम इस मैच के दौरान हम अपने जो हमारा सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं BNI गुड़गांव फरीदाबाद के, ऑलमोस्ट 30-40 हज़ार लोग हमको फॉलो करते हैं, तो हमने उस पर चाह के इसमें इनको इनको प्रमोट करके प्रोत्साहन दे के हम फंड्स भी हम जनरेट कर रहे हैं फॉर दिस एसोसिएशन। और हम चाह रहे हैं कि ठीक है, हम किसी भी तरह अगर हम यहाँ पर मैच के लिए आ भी नहीं पा रहे हों, बट हमें पता है कि हमारी सारी कम्युनिटी, 1250 मेंबर्स की जो हमारी कम्युनिटी है, हमें सपोर्ट कर रही है, डोनेशन के थ्रू भी हमें सपोर्ट कर रही है, और हम चाह रहे हैं कि ये इवेंट बहुत से बहुत बड़ा हो, और ऐसे हम रेगुलर भी करते रहे इवेंट। सो दैट्स वेयर वी आर वेरी हैप्पी टू एसोसिएट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू द कैबी टीम दैट दे गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले दिस मैच विद द इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम। It's an experience which, as an entrepreneur, corporate world, we people will cherish. We never thought that we'll get such an opportunity to play with the Indian Blind World Cup winning team. A total hands down experience or something which we shall cherish. Big thank you to BNI, Gurgaon and Faridabad to partner with CABI and to give us the opportunity for to its members to come forward and to play with them, enjoy the atmosphere, and to let them know, let the people of our members from BNI Gurgaon even know how much talent they have, and they are not, I won't say anything which is inferior to us, but they are better in talent than us, and they outplayed us in the first half of the match already. So a great experience altogether. A big thank you to the captain of Ajay from the Blind Cricket Indian team that he came over specially, and they played the match with full energy and totally outplayed us. जो मैच हुआ इसमें कौन सी टीम जीती और कौन सी? सो ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने जो है उन्होंने 12 ओवर में 175 रन बनाए हैं। उन्होंने हमारे को, हमारे सारे धुएंदार बॉलर्स जो हैं, जो हम लोग हर हफ्ते खेलते भी हैं, उन्होंने हमसे ज़्यादा, हमें इतना मारा कि हर छक्के चौके सब कुछ, और 175 मारे, जिसके लिए पता चलता है कि उनका टैलेंट कितना अच्छा है। एंड अभी दूसरा हाफ होना बाकी है, बट मैंने उनकी बॉलिंग भी जो मैंने देखी है, 120 की किलोमीटर्स पर आर की स्पीड से वो बॉल करते हैं। सो देयर बॉलर्स आर इवन वर्ल्ड क्लास। मेरे को ये भी पता चला है कि ये वर्ल्ड के वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम के हैं। मैं पीयूष प्रकाश हूँ, आर्किटेक्ट, कमर्शियल आर्किटेक्ट, BNI का मेंबर 10 साल से और 40 साल से आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। BNI के बारे में क्या कहेंगे, जो इन्होंने ब्लाइंड टूर्नामेंट करवाने की जो बहुत बड़ा प्रयास किया है? वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है ये, और कभी हम लोग सोच नहीं सकते थे कि ऐसा होएगा कि BNI और फरीदाबाद की टीम, क्रिकेट की टीम, ऐसे स्पेशली चैलेंज बच्चों के साथ खेलेगी। बट अभिनव एंड अदर्स, ये दिस इज़ अ बहुत बढ़िया प्रयास है ये, और ऐसा होते रहना चाहिए। आई एम रजत डोकरा एंड आई एम पार्ट ऑफ BNI एंड गुड़गांव एंड फरीदाबाद events and sports teams. So we organize a lot of these events for our members specifically, but this is the first time we are doing a sports event and collaborating with the blind cricket team. So it's been an amazing experience, and the big thing is that we are pleasantly surprised to see that how well these differently abled people can actually play, and where we think that they have a disability or a weakness, they have turned something else into a strength. And our team is very good, let me tell you, and they have given our team a run for their money. So it's been absolutely amazing, and I thank all the organizers.